ओके okay, तो ओ सीरीज़ की थर्ड वीडियो में अभी हम बात करते हैं कि ओ कैसे कॉन्फ़िगर करें राइट हाउ टू कॉन्फ़िगर ओ अभी देखिए ओ में कंसेप्ट आएगा एरिया का इंट्रोडक्शन ऑफ ओ में एक चीज़ मेंशन करना भूल गया मैं कि जो ओ आपका एरिया अप्रोच पे काम करता है और टू लेवल हेरारिकल मॉडल यूज़ करता है राइट टू लेवल पर काम करता है जिसमें एक आता है एरिया ज़ीरो और एक आते हैं बाकी सारे एरियाज़ अभी आप सोच रहे होंगे एरिया क्या है राइट तो थो थोड़ी देर के बाद आता हूं मैं ओ के एरियाज पे जस्ट क्या करते हैं राइट अवे स्टार्ट करते हैं कॉन्फिग्रेशन और उसी के अंदर मैं आपको तीन कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं See, इसी वाली वीडियो में रहेगी तो ये कॉन्फिगर कैसे करेंगे ओ बट इसी के अंदर कॉन्फिग्रेशन के अंदर ही आएंगे आपका वाइल्ड कार्ड मास क्या है एरिया का कंसेप्ट क्या है और प्रोसेस आई क्या है तो स्टार्ट करेंगे हम प्रोसेस आई से चलिए तो ये वाली टोपोलॉजी हम जीएनएस से स्टार्ट करते हैं ठीक है तो जैसे जी एन एस थ्री में लास्ट टाइम याद है मैंने आपको अगर वीडियो आपने देखी थी तो कंसोल के लिए मैंने पुट्टी का एक्सेस सिखाया था आपको सी यहाँ पे कस्टम कंसोल में जाके मैंने पुट्टी से किया था सी दिस वन बट अभी मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ सिक्योर सी आर टी तो इसके लिए हो सकता है मे बी हम सेपरेट कोई जी एन एस के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ मैं कि सिक्योर सी आर टी वगैरह कैसे एम्बेड करें जी एन एस के साथ और उसके बाद फिर पैकेट कैप्चर के भी ऊपर हो सकता है कि जैसे वायर शार्क ये टूल है इसके थ्रू पैकेट कैसे कैप्चर करके देखें तो यस मे बी विल क्रिएट सम अदर वीडियो ऑन जी एन तो तीन चार और वीडियो मे भी में बनाऊँगा जी के ऊपर कई सारे लोगों के सवाल आए हैं कि जी में स्विचेस की इमेज कैसे ऐड करें जी पे वी कैसे यूज़ करें तो राइट मे बी के जी एन पे पूरा हम एक कोर्स ही लॉन्च करें इन फ्यूचर यस होपफुली चलिए तो ठीक है हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओ की इस वाली वीडियो में चलिए तो या देखिए आप यहां पे सिक्योर सी की स्क्रीन में मेरे पास दो राउटर हैं आर वन एंड आर राइट जब मैं आर पे हूं तो एक बार एक लुक देखिए जरा आप जी एन कि इस वाले इंटरफेस पे मैंने नेटवर्क दिया है बी क्लास 17219 का इस वाले इंटरफेस पे हम यूज कर रहे हैं सी क्लास का एक नेटवर्क और इधर वाले साइड कर रहे हैं हम टेन का मीन्स ए क्लास का एक नेटवर्क तो मैंने बताया था आपको स्टेटिक राउटिंग के टाइम पे कि स्टैटिक राउटिंग के अंदर आपको कन्फिगर करने रहते हैं वो रूट्स जो आपकी टेबल में नहीं है जिन तक जाने का रास्ता राउटर को पता नहीं है लाइक दिस टेन वाला रूट इस वाले की बात करेंगे तो इसको टेन का और वन नाइन्टी टू का पता था इसका नहीं पता था तो इस तक जाने का रूट ये सब कन्फिगर करना रहता है मैनुअली स्टैटिक के अंदर पर डायनेमिक जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं उसमें इसका अपोजिट प्रोसेस है अभी हमने क्या बात की थी कि डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल स्पेशली ओ में चलते हैं लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट हेलो पैकेट्स के थ्रू अब वो हेलो पैकेट क्या है जैसे ही आपने ओ रन करी अभी हम कर देंगे वो खुद ब खुद एक दूसरे को ऑटोमेटिकली मल्टीकास्ट करते रहेंगे टू टू फोर डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट फाइव पे हर दस सेकंड में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन सारी नहीं खैर वो हमने बात की है पहले राइट right? कि किस में कौन सा क्या रहेगा आपका चलिए तो लेट्स सी हाउ टू कन्फिगर तो मैं चलता हूं अपनी स्क्रीन पे आर वन पे जब हम जाते हैं और चलिए आपको फिजिकल टोपोलॉजी भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रूट कन्फिगर करने के लिए उसके लिए बताता हूं क्या करना है तो सी आप शो आईपी रूट की कमांड चलाइए और देखिए कि आपके नेटवर्क में कौन से कौन से रूट्स हैं अच्छा अभी तो मैंने रूट दिए ही नहीं है ना ओके तो जल्दी से मैं क्या करता हूँ वीडियो पॉज करके रूट दे देता हूँ टाइम बचे ताकि हमारा ओके okay, तो अभी रूट्स क्या है मैंने कॉन्फ़िगर कर दिए हैं दोनों राउटर्स पे राइट right? तो शो आईपी रूट जब आप करेंगे डू शो आई रूट थर्ड मोड में आप देखिए एफ ए जीरो बाई वन पे मेरा कनेक्टेड है वन नाइनटी टू सिक्सटी एट टेन डॉट ज़ीरो का नेटवर्क और जीरो बाई जीरो पे कनेक्टेड है मेरा वन सेवेंटी टू नाइनटीन का तो यहाँ पर जो टेबल में आउटपुट दिखाएगा ना आपको वही आउटपुट आपको डालनी है अपनी प्रोटोकॉल के अंदर तो चलिए ठीक है आपको पता है जब भी हम कोई भी प्रोटोकॉल रन करते हैं तो उसके पहले हम लिखते हैं राउटर सी राउटर क्वेश्चन मार्क करेंगे तो ये प्रोटोकॉल्स हैं जो आप रन कर सकते हो तो अभी मेरे को कौन सी प्रोटोकॉल चलानी है ओएस देखिए जब रिप लिखा था राउटर रिप एंटर कर दिया था राइट तो कुछ नहीं मांगा था मेरे से रिप रन होगी थी बट मैं रिप को हटा दूं अभी कैसे हटाना है नो no राउटर रिप सी लाइक like दैट तो अभी आपको चलाना है राउटर ओ तो क्वेश्चन मार्क करेंगे तो एक नंबर पूछता है तो यहाँ पे क्या लिखा है प्रोसेस आईडी तो आपको थोड़ा सा बताता हूँ मैं प्रोसेस आईडी के बारे में कि प्रोसेस आईडी क्या है ओएसपीएफ के अंदर राइट तो प्रोसेस आईडी देखिए वहाँ पे एक नंबर दिख रहा है आपको सो द नंबर इज इन बिटवीन वन टू सिक्स फाइव फाइव थ्री फाइव इसका मतलब क्या होगा ये तब आता है जब आप दो की पावर सिक्सटीन करते हो टोटल ये आया रेंज क्या आएगी जीरो से पैंसठ अब जीरो यूज नहीं की जाती और ये यूजेबल रेंज है यहाँ से हमें साफ पता लगता है कि जो आपकी प्रोसेस आईडी है वो एक 16 बिट का नंबर है राइट तो 16 बिट प्रोसेस आईडी में वन टू सिक्स फाइव फाइव थ्री फाइव कोई भी नंबर आप एक चूज़ कर सकते हो अच्छा यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है कि ये जो आई है ये सारे राउटर्स पर ज़रूरी नहीं है कि सेम हो एक राउटर पर आप टेन डाल सकते हैं दूसरे राउटर पर आप ट्वेंटी भी डाल सकते हैं लेकिन होगा क्या उससे ना कि आपको थोड़ा ट्रबल शूटिंग अगर बाद में करनी है तो डू शो रन करके राउटर के अंदर जाके आपको पता करना होगा या अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करने होंगे कि किस राउटर पे कौन सी प्रोसेस आईडी थी राइट पर अगर आपने हर जगह सेम रखा तो आपको याद रहेगा कि हाँ जी हर जगह मैंने राउटर ओ एस यूज़ किया था तो हर जगह मुझे टेन में ही एंटर करना है तो ट्रबल शूटिंग डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा ईजी हो जाता है अदरवाइज़ कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि ये सेम ही हो ई में अगर आप बात करेंगे ऐसा ही एक नंबर डलता है उसको ए नंबर ऑटोनोमस सिस्टम नंबर बोलते हैं वो आपका यहाँ पे सेम रहना ज़रूरी है अदरवाइज़ दो राउटर के बीच में जो ई के राउटर हैं नेबरशिप नहीं आएगी रूट एक्सचेंज नहीं होंगे पर ओ में ऐसा नहीं है ये सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी इसी वजह से इसको लोकली कन्फ्यूगर्ड वैल्यू बोलते हैं लोकली कन्फिगर्ड का मतलब अभी हम क्या करेंगे जब नेबरशिप की कंडीशन चेक करेंगे ओ में दो राउटर के बीच में कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो कि दो राउटर आपस में नेबर बन सकते हैं एक दूसरे से रूट एक्सचेंज कर सकते हैं उनके लिए ये वाली वैल्यू मैच नहीं की जाती ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ हेलो पैकेट्स में इसको एक्सचेंज नहीं किया जाता है कोई इसका लफड़ा नहीं है कुछ भी आप किसी भी राउटर पर रख सकते हो दूसरा एक ही राउटर पे रेकमेंडेड है आप एक ही प्रोसेस आईडी यूज़ करें उसी के अंदर रूट डालें रेयरली ऐसा होता है कि दूसरे प्रोसेस आईडी में दूसरे रूट्स डाले जाए सेम रूट दो प्रोसेस आईडी में डालना इट्स नॉट लाइक अ वाइज डिसीजन हाँ अगर आपको दो प्रोसेस सेपरेट रखना हो कि भाई हाफ नेटवर्क इधर रहे हाफ नेटवर्क उधर रहे और दोनों को एक दूसरे का पता ना चले तो हाँ आप ऐसा कर सकते हैं प्रोसेस आई डी में आधे रूट डाल सकते हैं और प्रोसेस आई डी में आधे रूट क्योंकि दो प्रोसेस आईडी के रूट एक दूसरे के साथ कभी भी एक्सचेंज नहीं किए जाते हैं तो 16 बिट का नंबर हुआ जीरो वैलिड नहीं है आपका और आप वन टू सिक्स फाइव फाइव थ्री फाइव तक का नंबर आप यूज करते हैं प्रोसेस आईडी में चलिए ठीक है तो फिर हम यूज करते हैं यहाँ पे जैसे मैं जनरली डालता हूँ टेन सी यू कैन सी अभी राउटर में आप आ चुके हैं डू शो रन करेंगे अगर आप तो यहाँ से कुछ आउटपुट मैं अगर आपको दिखा पाऊँ so that will be helpful so see you can see that router ka process start ho chuka hai aapka ospf 10 ka abhi aapne kuch bhi agar nahi kiya hai na but still ospf is running okay with process id 10 अच्छा अभी बात आती है कि OSPF के अंदर रूट कैसे डालें Means जो आपके ये वाले रूट हैं do show ip route राइट right? अब ये दो वन नाइनटी टू और वन सेवनटी टू वाला इनको ओ एस पी एफ में कैसे एडवर्टाइज़ करवाएं ताकि ये दूसरे राउटर तक भी ऑटोमेटिकली पहुंच पाए उसकी सेंटेक्स है आपका नेटवर्क नेटवर्क लिखना होगा फिर ये नेटवर्क आई डी देखिए क्या लिखना है आपको नेटवर्क नंबर तो सपोज मेरा नेटवर्क नंबर है नेटवर्क आई डी कहना चाह रहा है ये नेटवर्क नंबर से टेन डॉट ज़ीरो फिर क्वेश्चन मार्क करते हैं क्या पूछता है वाइल्ड कार्ड बिट्स अब सेकंड कंसेप्ट आता है कि वाइल्ड कार्ड बिट क्या है ओएस पी एफ़ के अंदर

और जहां पे लिखा है जीरो वन का मतलब क्या हुआ आपको एग्जैक्टली exactly मैच नहीं कराना ये वाला मीन की जो नेटवर्क आईडी है वो तो आपकी सेम रहेगी रहेगी आपको ध्यान किसपे देना आपके होस्ट वाले पार्ट पे यस yes? समझ पा रहे हैं आप कि आपने क्या करना नेटवर्क आईडी देखो कौन सी है ये वाली नेटवर्क आईडी और ये वाली थी आपकी होस्ट आईडी तो वन को आप प्रेफरेंस दो जीरो को प्रेफरेंस मत दो सबनेट मास्क के अंदर उस नेटवर्क में जितने मर्जी होस्ट पड़े रहे आपके रहने दो बट आपको नेटवर्क देखना है जैसे लिखा टेन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो तो टेन की आई है इतना याद रखिए उसके अंदर जो मर्जी होस्ट रहे आपको मतलब नहीं है तो मैं एक एग्जाम्पल से भी करवा सकता हूं आपको जैसे ये वाला एक स्विच लो आप इसी पे और इस पे दो पी लगाओ लाइक like दैट अब इनके बीच में अगर कम्युनिकेशन करानी है ना तो वो क्या ध्यान देगा आपका नेटवर्क बिट पे कि अगर इसकी नेटवर्क आईडी सेम मिलती है जैसे मैंने क्या लिख दिया टेन डॉट वन और फिर क्या लिख दिया टेन डॉट टू तो उसको स्विच को मतलब यह है कि ये जो आपका पार्ट है नेटवर्क वाला सी फर्स्ट एंड इसमें भी अगर ये मैच करता है ना तो इसको फर्क ही नहीं पड़ता यहां पे क्या लिखा हुआ है वो उनके बीच में कम्युनिकेशन करवा देगा तो ये किसका काम हुआ नेटवर्क पार्ट का मीन्स आपका सबनेट मास्क का और ये इसको कैसे पता चलेगा इसके साथ आपने जो सबनेट मास्क लिखा था ये वाला तो 255 से उसने अंदाजा लगा लिया होगा इसको देखना है और जीरो वाले को नहीं देखना अब 255 कैसे आया जीरो कैसे आया सबनेटिंग में हमने पढ़ा था आईपी में 255 तब आता है जहाँ पर नंबर ऑफ वन होते हैं जीरो तब आती है जब यहाँ पे जीरो होती है तो नेटवर्क पार्ट वन को ऑब्जर्व करना है और होस्ट पार्ट जीरो को आपने नगलेक्ट करना है दिस इज अबाउट आपका सबनेट मास्क वाइल्ड कार्ड मास्क इसका अपोजिट है उसमें आपको इस वाले पार्ट पे एग्जैक्टली exactly मैच करके ध्यान नहीं देना सिर्फ ध्यान कहाँ देना आपके होस्ट पार्ट पे कि कितना पार्ट आपका ओएस में रनिंग है कितना नहीं है किन रूट्स को सबनेट्स को अपने ओ एस में एंट्री करवानी है कितनों को नहीं करवानी स्पेशली ये तब काम आता है जब आपने अपने नेटवर्क में सब आ, सबनेटिंग कर रखी हो और जो कि प्रोवाइडर लेवल के नेटवर्क में आपको मिलेगी ही मिलेगी अभी तो आपको लग रहा है ना कि यार सी कर रहे हैं और नॉर्मली सिंपल जैसे मैंने रूट लिखे हुए आप लोगों के हिसाब से ताकि आपको अच्छे से समझ आए मेरा मन था बड़ा कि मैं यहाँ पर सबनेटिंग वाले रूट लिखूँ जैसे यहाँ पे भी मैं सबनेटिंग वाले रूट लिखूँ बट यस एक बार थोड़ा ईजी बेसिक कंसेप्ट से क्लियर कर लें उसके बाद मे भी हम आगे सारा का सारा एक कंसेप्ट रखें जिसमें हम सबनेटिंग के ही प्रैक्टिकल करें मे बी अगर आप सजेस्ट करते हैं और ऐसा मेरे को डिमांड आती है तो आई विल डू दैट सारे सबनेटिंग से प्रैक्टिकल करें जिसमें हम आई पी वी फोर आई पी वी सिक्स राउटिंग प्रोटोकॉल नेट एवरीथिंग चलिए तो ये कंसेप्ट आपका आया है वाइल्ड कार्ड मास का तो इतना अगर मैं आपको बाकी समझाऊं यहां से ठीक है मैंने बता दिया देख लेना एक बार स्लाइड के अंदर क्या लिखा है और कैसे कैलकुलेट करना है ओके ये इंटरेस्टिंग है ये जरूरी है सबनेट मास का अपोजिट है तो अगर क्लास फुल है सबनेटिंग नहीं हो रखी तब तो क्या है जीरो की जगह 255 लिख दो और 255 की जगह जीरो लिख दो वो बन जाता है जैसे क्लास ए में सबनेट मास क्या था दो सौ वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा दो सौ पचपन की जगह जीरो और जीरो की जगह दो सौ पचपन क्लास बी क्लास सी लिखा है पर अगर सबनेटिंग हो रखी है तो कैसे करेंगे ये सिंपल फॉर्मूला याद रखिए टोटल सबनेट मास्क माइनस आपका जो गिवन सबनेट मास्क है माइनस करने के बाद ऑक्टेट बाय ऑक्टेट माइनस करेंगे जो आएगा दैट इज योर वाइल्ड कार्ड मास्क ओके ठीक है तो इस तरह कैलकुलेट करने के बाद आई थिंक इसमें इतना ही होगा वाइल्ड कार्ड में यस hmm, yes, फिर तो एरिया का कंसेप्ट आता है चलिए फिर वाइल्ड कार्ड मास्क डालते हैं सी क्लास है कैलकुलेट करिए अपने माइंड में क्या आएगा वाइल्ड कार्ड मास्क दिस वन फिर क्वेश्चन मार्क करता हूँ तो देखिए एरिया अभी सी आर नहीं आया कैरेक्टर रिटर्न और जब तक सी आर नहीं आता इट मीन आपकी कमांड पूरी नहीं हुई है अभी और कुछ लिखना बाकी है तो एरिया अगर मैं लिखता हूँ एरिया में देखिए क्वेश्चन मार्क करके तो कितना बड़ा नंबर है ठीक है ओ एस पी एफ एरिया आई डी